नमस्कार दोस्तों, स्टार एजुकेशन में आप सभी का स्वागत है। स्टार एजुकेशन रेलवे ग्रुप डी की सबसे बड़ी टेस्ट सीरीज लेकर आया है। इस टेस्ट सीरीज के अंदर हम आज 15 इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस करेंगे। कितना क्वेश्चंस करेंगे? 15 इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस करने वाले हैं दोस्तों, और ये हर परीक्षा के अंदर पूछा जाने वाला प्रश्न है। और इसमें हम आपके लिए सबसे बड़ी जो जानकारी देने वाले हैं, इस वीडियो के माध्यम से देने वाले हैं। सबसे पहले हम 15 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करेंगे, उसके बाद में मैं आपको अपडेट बताऊंगा कि क्या अपडेट है। रूसी क्रांति का प्रमुख सूत्रधार कौन था? दोस्तों रूसी क्रांति की बात करें, रूस के अंदर जो रूसी क्रांति हुई थी, तो इसका जो प्रवर्तक की बात करें तो इसका राइट आंसर क्या था? लेनिन था। कौन था? लेनिन आपका राइट आंसर है। भारत का प्राचीनतम अंग्रेजी दैनिक अखबार कौन सा है? यानी भारत का सबसे प्राचीन अंग्रेजी भाषा में लिखा गया समाचार पत्र का नाम क्या है? राइट आंसर इज बंगाल गजट। बंगाल गजट जो पश्चिम बंगाल, आपने सुना होगा दोस्तों पश्चिम बंगाल, या कोलकाता नाम सुना होगा, कोलकाता। तो दोस्तों यहां पर आपको ध्यान में रखना है, कोलकाता से संबंधित प्रश्न है तो आपको ध्यान में रखना है। चलिए दोस्तों, तीन नंबर प्रश्न से पहले एक सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट सूचना आपको दे रहा। हमारी टीम के द्वारा 50 मॉडल पेपर सेट निकाले गए। कितने? 50 मॉडल पेपर सेट है, और मात्र 120 रुपए के अंदर 80% डिस्काउंट दे रखा है। अगर आपको 50 मॉडल पेपर के साथ साथ में 135 पेपर सेट की पीडीएफ जो 2018 के अंदर आरआरबी के द्वारा करवाई गई थी, किसके द्वारा? आरआरबी एग्जाम के द्वारा करवाई गई थी, तो आप हमें 9461-041-363 पे मैसेज करना है और कहना है कि सर मुझे 50 प्रैक्टिस सेट परचेज करने हैं, और उनके साथ साथ में 135 जो पीडीएफ की पूरी पीडीएफ फाइल हम आपको देने वाले हैं। तो दोस्तों ये हमारे एप्लीकेशन है, एप्लीकेशन को डाउनलोड करना है। आप सबसे पहले हमारे 9461-041-363 और जो स्क्रीन के ऊपर नंबर दे रखे उसके ऊपर आप कांटेक्ट कर सकते हैं, और ये पीडीएफ फाइल आपको व्हाट्सएप चाहिए तो व्हाट्सएप आप मुझे भी बता सकते हैं, मेल पे चाहिए तो मेल पे बता सकते हैं, और ये प्रैक्टिस सेट हमारे एप्लीकेशन में मिलेंगे। तो इन दोनों का शुल्क 80% छूट दे रखा है, और दोस्तों हम आपको हर हफ्ते 3 दिन में एक प्रैक्टिस सेट देंगे, जिससे कि आपको पूरा सिलेबस के अकॉर्डिंग 100 क्वेश्चन के साथ, कितने? 100 क्वेश्चन के साथ में। तो हम टेस्ट शुरू कर रहे हैं, और हमारे स्टार एजुकेशनल टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए, और इसके साथ साथ में पीडीएफ फाइल भी आपको मिलने वाली है। चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। अगर आपको चाहिए तो मुझे 9461-041-363 पे मैसेज कर सकते हैं। भारत का सबसे बड़ा संग्रहालय कौन सा है? तीन नंबर प्रश्न है, भारत का सबसे बड़ा संग्रहालय कोलकाता संग्रहालय, और दोस्तों कोलकाता हुगली नदी के किनारे स्थित है। ये सवाल बहुत बार पूछा गया कि कोलकाता किस नदी के किनारे? हुगली नदी के किनारे है, और ये वेस्ट बंगाल की राजधानी है। चेन्नई है तमिलनाडु की राजधानी, मुंबई जो दिल्ली है, दिल्ली एक केंद्र शासित प्रदेश की राजधानी, और मुंबई महाराष्ट्र की राजधानी है। तो ये चीजें आपको ध्यान में रखनी है। किसकी चिकित्सा में डायलिसिस का प्रयोग होता है? चार ऑप्शन देख रहे हैं, डायलिसिस का प्रयोग किस में किया जाता है बताइए जल्दी से। तो इसका डायलिसिस का प्रयोग होता है गुर्दे या किडनी कहा जाता है। किडनी के अंदर जो गुर्दे के अंदर जो सफाई अभियान होता है उसे डायलिसिस कहा जाता है। वायु उष्मा से क्या संबंध है? वायु है उष्मा से क्या संबंध है? चलिए बताएं, वायु और उष्मा से संबंधित पांच नंबर प्रश्न का राइट आंसर, यस राइट आंसर इज कुचालक। क्या है? कुचालक। उष्मा का क्या है? कुचालक है। भारत की आकस्मिक निधि किसके नियंत्रण में है? सिक्स नंबर प्रश्न, भारत की आकस्मिक निधि किसके कंट्रोल के अंदर है? वो राष्ट्रपति के कंट्रोल, किसके कंट्रोल के अंदर है? राष्ट्रपति के कंट्रोल के अंदर है। भारत में सर्वप्रथम योजना आयोग की स्थापना, दोस्तों योजना आयोग क्या बात है बताएंगे जल्दी से। योजना आयोग के बारे में पूछा गया, अभी योजना आयोग को समाप्त करके नीति आयोग लागू किया गया, कौन सा? नीति आयोग। तो यह भी आपको ध्यान रखना, पहले क्या था? योजना आयोग है, वर्तमान में इसका नीति आयोग है। इसका जो मुखिया होता है, हेड होता है, वो कौन होता है? पीएम होता है। कौन होता है? पीएम होता है। तो चलिए दोस्तों, इस प्रश्न का राइट आंसर 1950। क्या है? 1950 में योजना आयोग की स्थापना की गई थी। निम्नलिखित में से
किसकी पारिस्थितिक संतुलन से संबंधित नहीं है, यानी पर्यावरण से संबंधित नहीं है। जल, वन, औद्योगिक वन्य जीव। यस राइट आंसर, औद्योगिक प्रबंध। क्या है? औद्योगिक प्रबंध से संबंधित नहीं है। बाकी परिस्थिति जल से संबंधित है, वन से संबंधित है और वायु से संबंधित है। यस राइट आंसर, वन्य जीवों से संबंधित है। राष्ट्रीय विकास परिषद ने पंचायती राज से संबंधित बीआर मेहता समिति की सिफारिश कब स्वीकार की गई? 9 नंबर प्रश्न, इसका राइट आंसर है 1958। क्या? 1958 के अंदर इस समिति के बारे में बताया गया था, तो चीजें आपको ध्यान में रखनी है। अगर देखेंगे मांग का एक रुपया कम करने वाले प्रस्ताव क्या कहलाता है? मांग इकोनॉमिक से संबंधित है। यहां से एक दो प्रश्न पूछे जाता है, एनटीपीसी के अंदर भी पूछा गया, तो आपको ध्यान में रखना। 10 नंबर प्रश्न। यस राइट आंसर, कटौती, प्रत्येक कटौती। चलिए यहां पर दे रखा है 11 नंबर है कि सुमलित कौन सा नहीं है। क्या पूछा गया? कि सुमलित कौन सा नहीं है। देखिए एक तरफ दे रखे बांध, दूसरी तरफ नदी, नागल बांध, सतलुज नदी, सरदार सरोवर, ये देखिए ये गलत हो गया। नागा अर्जुन सागर बांध गोदावरी नदी के ऊपर नहीं है। यस, ये नागा अर्जुन सागर बांध कृष्णा नदी पर, किस नदी पर है? कृष्णा नदी पर है। हीराकुंड बांध महानदी पर। यस, क्या बात है। और 1955 में इसकी नींव किसके द्वारा रखी गई थी? किसकी? नागार्जुन सागर की बांध पंडित जवाहरलाल नेहरू। एक साधारण विधेयक पर संसद के दोनों नामों में सम्मिलित बैठक में मतदान होता है। यदि एक सदन में उसके बिना पारित किया जाता है तो कितने माह तक रखा जा सकता है? चलिए दोस्तों 12 नंबर प्रश्न, और 12 नंबर प्रश्न का राइट आंसर 6 माह तक रखता है। कितने माह तक? 6 माह तक रखा जाता है। यदि बजट घाटा समाप्त करने के लिए करेंसी मुद्रा का मुद्रण किया जाता है तो उसका परिणाम क्या होता है? क्या राइट आंसर? मूल्य स्फूर्ति। क्या होती है? मूल्य स्फूर्ति होती है। क्षेत्रफल के आधार पर भारत का सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है? बताएंगे जल्दी से दोस्तों, सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश आपसे पूछा गया है, वो आपका लक्षद्वीप। क्या है? लक्षद्वीप है। आज का अंतिम प्रश्न, बांग्लादेश की मुद्रा क्या है? इस प्रश्न का उत्तर मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर कीजिए। यस, टक्का। क्या है? टक्का राइट आंसर। दोस्तों वीडियो कैसा लगा, वीडियो चलो लाइक करें, शेयर करें, और यहाँ पर आपको हमारे टीम के द्वारा 50 प्रैक्टिस सेट और 135 शिफ्ट की टेस्ट सीरीज के लिए आप हमें कमेंट कर सकते हैं 94 61 041 363 पर जाकर मैसेज कर सकते हैं। नीचे लिंक मिलेगा, वहाँ से आप डाउनलोड करके पेमेंट भी कर सकते हैं। पेमेंट फोनपे, गूगल पे, पेटीएम के माध्यम से करके आप ले सकते हैं। थैंक यू, धन्यवाद।